गई है, खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हेलो, मैं हूँ आपके साथ गुंजन। स्वागत है आपका लंच टाइम में। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नई है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते लेते हैं लंच टाइम की। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3, आज फाइनल चरण की फायरिंग कामयाब, अब लैंडिंग का इंतजार। उत्तराखंड की मदमहेश्वर घाटी में हेलीकॉप्टर से 40 लोगों का रेस्क्यू, पुल बहने से फंस गए थे लोग। दिल्ली में फिर से बन रहा है बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर गदर जारी, 5वें दिन 200 करोड़ के पार पहुंची फिल्म। और चलिए सनी देओल की बात से शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। और चलिए हिमाचल लिए चलते हैं, हिमाचल का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जिंदगी बेहाल है। बाढ़ और जमीन खिसकने से हिमाचल के कांगड़ा और शिमला समेत कई जगह पर लोग मुश्किल में घिर गए हैं। इस मुश्किल के वक्त में एनडीआरएफ और सेना के जवान लोगों की मदद करने के लिए आगे आ गए हैं, क्योंकि कांगड़ा के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। मतलब सब जगह सैलाब का ही कब्जा है। अब इस पुल को देखिए, लहरों के थपेड़े इस पुल को अपने साथ बहा ले जाने के लिए बेताब हैं, लेकिन पुल पर ये जवान लोगों की मदद करने के लिए डटे हुए हैं। इसी बीच कहीं हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं नाव के जरिए राहत और बचाव दल के लोग मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कहीं रेस्क्यू में जुटी है सेना और एनडीआरएफ, कहीं खोला जा रहा है बंद रास्तों को। तो कहीं लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते कुछ ऐसे हालात हैं। इन दिनों हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक दोनों ही राज्यों में आसमानी आफत का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है, जिसकी गवाही कांगड़ा और शिमला से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। लेकिन राहत के इस काम में लगी इन सरकारी एजेंसियों को मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके राहत टीमें पूरी ताकत के साथ लोगों की मदद में जुटी हुई हैं। हमें बहुत बहुत संभल के यहाँ पे काम करना पड़ेगा, हमारे लोगों को भी काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ रेस्क्यू के इस काम में सेना की भी मदद ली जा रही है, जो खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मलबे को हटाने में जुटी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जा सके। खुद राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला और कांगड़ा के प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के जो क्षेत्र है, इंदौरा फतेहपुर, वहाँ रात को पोंग डैम से पानी छोड़ा गया है, वहाँ भी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। जयसिंहपुर कांगड़े का एरिया, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। सभी क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है। अभी हमने मीटिंग करके उसका पूरा जायजा लिया है और उस दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद करने के लिए आज ही हमने शाम को फैसला किया कि एक दिन के लिए सभी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब धूप लगती है उस समय और लैंडस्लाइड का स्कोप बनता है, क्योंकि मिट्टी धूप से सूखती है, भारी होती है। ये पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं। तो एक दिन सड़कें अवरुद्ध है, रास्ते खुले नहीं है, तो एक दिन और शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। हिमाचल की तरह ही पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसके चलते राज्य के कई जिले इस वक्त बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह लैंडस्लाइड होने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लिहाजा बंद रास्तों से पहाड़ों के मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। मौसम विभाग के हिसाब से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में अगले 3-4 दिन तक
विभिन्न प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश का खतरा है, जलस्तर नदियों में बढ़ रहा है और लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने अब कहा है कि जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं या जो बसावट नदियों के उस पे फ्लड प्लेन्स पे है, वो वहां से दूरी बनाए रखे, यानी कि अगले 3-4 दिन उत्तराखंड में आपको जरूरत है एहतियात बरतने की। पहाड़ों में इस वक्त किस तरह का मंजर बना हुआ है, हमारे बाएं हाथ पे आपको जबरदस्त मलबा दिखाई देगा जो पहाड़ से लैंडस्लाइड की वजह से नीचे आया, और दूसरी तरफ भी सड़क के आपको उसी तरह का मलबा दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि जब 13-14 की रात को यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुए, इस पूरे जोन में शिवपुरी बाईपास के आसपास का पूरा जो इलाका है, जो ऋषिकेश से देवप्रयाग की तरफ सड़क जा रही है, वहां पे कई जगह पे आपको इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहां पे लैंडस्लाइड्स हुआ, भूस्खलन हुआ और उसके बाद पत्थर जो है, मलवा, बोल्डर्स, ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच आकर गिर गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक की आवाजाही बंद हो गई है। फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो रेस्पॉन्स टीम्स हैं, वो क्या काम कर रही है कि सिंगल लेन सड़क कुछ इस तरह से आपको मलवा सड़क के दोनों तरफ हटा के बीच से रास्ता बनाया जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दोनों ही राज्यों में अभी 2 से 3 दिन बारिश का ये दौर जारी रह सकता है, जिसको देखते हुए सरकारी एजेंसियों को अलर्ट कर रखा गया है, साथ ही लोगों को भी घरों में रहने की हिदायत की गई है। कांगड़ा से मंजीत सहगल और हरिद्वार से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल में बारिश से हाल बेहाल है। बारिश की वजह से हो रहे लैंडस्लाइड के कारण राज्य की कई सड़कें बंद हैं। प्रशासन यातायात बहाल करने में जुटा हुआ है, लेकिन कुल्लू में 2 मरीजों की हालत गंभीर थी और उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाना था। ऐसे में उन मरीजों के लिए वायुसेना देवदूत बनकर सामने आई और उनको चंडीगढ़ PGI के लिए एयरलिफ्ट किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुल्लू में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतरता है, उसमें मरीज को ले जाया जाता है, उसके बाद मरीजों को लेकर हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। बारिश से मुश्किल में आए हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सेना, NDRF और वायुसेना मदद के लिए तत्पर है। भारत का चंद्रयान 3 चांद की दहलीज तक पहुंच गया है। चंद्रयान की कक्षा एक बार फिर से घटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह से यान की अधिकतम दूरी अब करीब 100 किलोमीटर रह जाएगी। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा एक बार फिर से बदली जा रही है। इस मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसकी स्थिति चंद्र ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो द्वारा कवायद की जा रही है। 23 अगस्त को चंद्रयान के लैंडर रोवर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि 14 जुलाई को रवाना हुआ यान पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाने के बाद 1 अगस्त को स्लिंग शॉट के बाद पृथ्वी की कक्षा छोड़कर यान चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ा था। यूके के कैम्ब्रिज में मुरारी बापू की भव्य रामकथा चल रही है, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी में पूरा हॉल जय सियाराम के जयकारों से गूंज उठा। देखिए विदेशी सरजमी पर रामकथा की यह अद्भुत झलक। आपके नेतृत्व में हनुमान जी आपको इतना बल दे कि ब्रिटिश की जनता को उसका फल प्राप्त हो। जय सियाराम। 7 समंदर पार से आई ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समेटे इन तस्वीरों में दिख रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हाथों में थाली लिए मोरारी बापू की आरती उतार रहे हैं। एक सामान्य इंसान की तरह हमारे ऋषि साहब बता रहे हैं आपके नेतृत्व में। दरअसल कैम्ब्रिज के जीसस कॉलेज में मोरारी बापू की रामकथा चल रही है। इस अद्भुत रामकथा में न सिर्फ यूके के रहने वाले भारतीय मूल के लोग शामिल हो रहे हैं, बल्कि विदेशी सरजमी पर हो रही इस पावन कथा को सुनने के लिए अंग्रेजों का भी हुजूम उमड़ रहा है। मैं पुनः एक साधु के नाते आपका सत्कार करता हूं और आपने दिन भी अच्छा पसंद किया। इतना ही नहीं, इस भव्य कथा को सुनने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी जीसस कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने मुरारी बापू को शॉल भेंट की और करीब 40 मिनट तक प्रभु श्री राम की पावन कथा सुनते रहे। बापू,
जय सियाराम। इस दौरान पूरा हॉल जय सियाराम के जयकारों से गूंज उठा। जय सियाराम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Murari Bapu's Ramkatha, the University of Cambridge, on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honor, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront. And our faith gives me courage, strength, and resilience to do the best I can for our country. Pradhanmantri Rishi Sunak ki isi baat par pura hall taaliyon ki gadgadahat se goonj utha. Murari Bapu ne bhi Britain ke Pradhanmantri Rishi Sunak ka khule dil se swagat kiya aur unhe bhet swaroop ek shivling diya. Aapke netrutva mein हनुमान जी आपको इतना बल दे कि ब्रिटिश की जनता को उसका फल प्राप्त हो, यहाँ के जन जन को इसका परिणाम प्राप्त हो। ऋषि जो यहाँ के पद तो कितना बड़ा है, लेकिन एक मूल में भारतीय के नाते भारतीय व्यासपीठ पर आए हैं। मैं पुनः एक साधु के नाते आपका सत्कार करता हूँ। मुरारी बापू के कथा सुनाने का अंदाज बेहद खास है। मुरारी बापू की जादुई आवाज में भगवान राम का बखान सुनने वाला हर शख्स मंत्रमुग्ध होता है। जैसे ही मुरारी बापू की राम कथा खत्म होने को आ रही थी, एक बहुत ही खास मेहमान पहुंचा, यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जैसे ही मुरारी बापू ने उन्हें स्टेज पर अपना वक्तव्य कहने का न्योता दिया, उन्होंने अपनी बात जय सियाराम कहकर शुरू करी और ऐसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य का अंत भी किया। लवीना टंडन, संवाददाता। और चलिए इसके साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। देख लेते हैं आज का विचार। महात्मा गांधी ने कहा है कि अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था रखने वाले मुट्ठी भर संकल्पवान लोग इतिहास की धारा बदल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए लंच टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे कल मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।